राजस्थान के शाही राज्य में जयपुर का एक शानदार महल है जिसे हवा महल या पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। महल के झरोकों से हर वक्त हवा चलती रहती है और इसीलिए इसका नाम हवा महल पड़ा। सन 1799 में महाराणा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया यह जयपुर का एक यादगार स्थान है। हवा महल की रचना लाल चंद उस्ता ने की और इसकी बनावट भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह है। पांच मंजिलों वाले इस महल को लाल और गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है। हवा महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोका भी कहते हैं। ये खिड़कियां जयपुर की रानियों के लिए बनाई गई ताकि वे सड़कों पर हो रही हलचल को देख सकें। प्राचीन काल में रानियां महल के बाहर कदम नहीं रखती थी। इस शानदार महल के किसी भी अलंकृत झरोके से आप इस व्यस्त शहर की झलक देख सकते हैं। जयपुर की रानियों और राजकुमारियों को अपनी गरिमा का बहुत ख्याल था और वे अजनबियों के सामने नहीं आती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें दुनियादारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये झरोके इसीलिए बनाए गए ताकि रानियां हर बात से परिचित रहें। यह न केवल उनकी जिज्ञासा मिटाता था बल्कि कठिन वक्त आने पर उन्हें निर्णय लेने के लिए भी सहायता करता था। झरोखों से आपको राजपूत औरतों का एक नया चेहरा दिखेगा और आप यकीनन इनके साहस से प्रभावित होंगे। इस खूबसूरत महल का प्रवेश द्वार एक प्रांगण में खुलता है जो तीन तरफ से दो मंजिली इमारत से घिरा हुआ है। केवल हवा महल के सामने वाले हिस्से में पांच भव्य मंजिलें हैं। ऊपर की मंजिलों पर जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ नहीं बल्कि ढालू रास्ते हैं जो एक जमाने में शाही महिलाओं की पालकियां ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बाहरी हिस्सों में नजाकत से की गई नक्काशियों के विपरीत भीतरी भाग आश्चर्यजनक रूप से सरल तथा स्पष्ट है। यह बात इस महल को और भी आकर्षक बनाती है। इस महल की परिपूर्ण सुंदरता का आनंद लीजिए और इसकी शांति और सुकून में खो जाइए। यहाँ अब एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। इस महल के आरामदायक कक्षों में राजस्थान के राजसी अतीत पर एक नजर डालिए और इनकी निर्मल सुंदरता का आनंद लीजिए।